नमस्कार दोस्तों स्वागत है है आप सभी का पाथ, पर। आज से कुछ दिन पहले की बात है, पाकिस्तान के पीएम के द्वारा आपत्ति जताई गई थी कि आखिरकार इंडिया के पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर क्यों जा रहे हैं भारत उस आपत्ति को लेकर कुछ दिन तक शांत रहा लेकिन आज सुबह एक नया स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें की भारत ने एक नया स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें कि उन्होंने पाकिस्तान को फटकार लगाई है और साथ में यह भी कहा है कि पाकिस्तान हैज नो लोकस स्टैंडी टू टॉक अबाउट पीएम जम्मू एंड कश्मीर विजिट ये वाला स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो प्रवक्ता है मिस्टर अरिंदम बागची उनके द्वारा पेश किया गया है यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं नो लोकस स्टैंडी इंडिया स्लैम्स पाकिस्तान ओवर पीएम शरीफ स्टेज्ड रिमार्क ऑन पीएम एम मोदी जम्मू एंड कश्मीर विजिट यहां पे पीएम जो पाकिस्तान के पीएम एम है मिस्टर शाहबाज शरीफ उनके द्वारा एक रिमार्क दिया गया था कि पीएम मोदी का जो दौरा है वो असल में एक स्टेज्ड दौरा है इसको लेकर बातचीत करूंगा कि एक्जैक्टली exactly यहां पर जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं एम e. के द्वारा वो क्या है क्यों वो इतने इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स माने जा रहे हैं एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि इन द फर्स्ट प्लेस पाकिस्तान को यहां पे आपत्ति क्यों थी कि पीएम मोदी का जो दौरा है जम्मू कश्मीर को लेकर उसको उन्होंने ऑब्जेक्ट क्यों किया था चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद्ध इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं ऑन दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन दी ऐप और यहाँ पर हमारी स्पेशल क्लासेस भी होती रहती है वहां पर आकर भी आप लोग हिस्सा ले सकते हैं राइट right. तो आज से तीन दिन पहले की बात है छब्बीस अप्रैल की न्यूज आपके सामने है पाकिस्तान ऑब्जेक्ट टू पीएम एम मोदी विजिट टू जम्मू एंड कश्मीर वैसे आपको बताना चाहूंगा कि आर्टिकल थ्री सेवेंटी के हटने के बाद जिसको कि अगस्त ट्वेंटी में हटाया था उसके बाद भारत के पीएम मिस्टर मोदी का ये पहला दौरा था जो कि जम्मू कश्मीर में हो चुका है नव पाकिस्तान के द्वारा जो आपत्ति जताई गई थी उसमें नंबर वन पॉइंट रेस किया था कि यहां पर जो पीएम मोदी हैं वो दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को इनग्रेट कर रहे हैं जिसमें नंबर वन है राटले नंबर टू है कोर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स दोनों के दोनों प्रोजेक्ट्स हैं ये इनग्रेशन होने वाली थी चेनाब नदी के ऊपर और पाकिस्तान ने इसको लेकर ऑब्जेक्शन जताया कि ये जो इनोग्रेशन है इट इज इन डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द इन दस वॉटर्स ट्रीटी आप यहां पर देख सकते हैं इन्होंने कहा द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राटले प्लांट एज डिजाइन

पाकिस्तान यह कह रहा है कि इंडिया के द्वारा यह वाला जो दौरा है यह एक तरीके से उनकी चाल है यह दिखाने के लिए कि जम्मू कश्मीर में जो स्थिति है वो सामान्य हो चुकी है लेकिन पाकिस्तान बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जम्मू कश्मीर की स्थिति सामान्य नहीं है ये दो बड़े मुद्दे थे जिसके चलते पाकिस्तान के द्वारा यहां पर इस विजिट को लेकर ऑब्जेक्शन जताया गया था बल्कि पाकिस्तान ने साथ में यह भी कहा दैट वी वुड कंटिन्यू टू एक्सटेंड ऑल पॉसिबल सपोर्ट टू दी कश्मीरीज इन देयर स्ट्रगल फॉर द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन नौ दिन तक तीन दिन तक भारत ने कुछ नहीं कहा लेकिन फाइनली हमारा स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें कि भारत ने एक दो सवाल पूछे पाकिस्तान पाकिस्तान से like की आपका आपका कहने का मतलब क्या है है एंड में में इन्होंने पाकिस्तान को पे पे फटकार भी भी लगाई कि आपका यहाँ पे कोई नहीं है, आप जो हैं जम्मू कश्मीर में कुछ भी बोलते उसका कोई मायने नहीं है e. e. नंबर को लगता है कि इंडिया के वो दौरे पर गए ही नहीं क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान यहां पे इस चीज को प्रोजेक्ट कर रही है पाकिस्तान ये कह रहा है कि उनके दृष्टिकोण के हिसाब से वो ये कहना चाह रही हैं कि यात्रा असल में हुई ही नहीं क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वर्ड का इस्तेमाल किया इसको लेके एम e. ने थोड़ा उनका मजाक भी उड़ाया अगर आप वीडियो देखेंगे तो अरिंदम बागची जब ये स्टेटमेंट बोलते हैं तो उस टाइम पे हंस रहे होते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टेज क्या पाकिस्तान के कहने का मतलब यह कि यात्रा हुई ही नहीं उसके बाद उन्होंने बताया कि कितनी जोर शोर से वहां पे सेलिब्रेशन हुई कितने जोर शोर से वहां पे उनका स्वागत किया गया कितनी तैयारियां हुई थी उसके लिए कई सारी फोटोज भी आपके सामने पेश कर रहा हूं ये देखिए नंबर वन फोटो है जो कि पाकिस्तान जो कि इंडियन पीएम मिस्टर मोदी की है जो कि उनके स्वागत के लिए ये वाला पुतला तैयार किया गया था उसके बाद ये वाला एरिया है जहां पर उनके द्वारा जो है भाषण दिया गया था वो वाला एरिया तैयार किया गया था ये वाला एरिया है जहां पे बनिहाल काजीगुंड टनल है जिसका इनोग्रेट इनग्रेशन करवाया गया इसको भी तैयार किया गया था और ये वाला एरिया है जहां पर पीएम मोदी गए थे पाली विलेज में जहां पर इन्होंने एक एग्जीबिशन को इनोग्रेट करना था और वहां पर जाकर भी इनको जो है काफी अच्छे तरीके से सम्मानित किया गया था उसके बाद अब यहां भी देख सकते हैं कि पंचायती राज के दिवस पे इन्होंने जो है वहां पर दौरा किया और वहां पर कई सारे अवार्ड्स भी अनाउंस किए ये वाला फोटो भी सामने आया ये वाला फोटो भी सामने आया कि जो जम्मू कश्मीर के एलजी हैं वो मिस्टर मोदी को यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पेंटिंग के थ्रू यानी कि वेरी वेरी क्लियरली हम लोग ये समझ सकते हैं कि जी हाँ पीएम मोदी डेफिनेटली दौरे पर गए थे सो पाकिस्तान का ये पूछना या कहना कि दौरा हुआ ही नहीं या फिर ये स्टेज था ये तो कंप्लीटली गलत है ये भी आप देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में कितनी बड़ी भीड़ में लोग यहां पे इकट्ठा हुए ये भी आप देख सकते हैं ये वही वाली आर्ट गैलरी है जो कि पाली विलेज में शुरू करी गई इन सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू इसी के चलते पीएम मोदी की विजिट को लेकर एमईए के जो स्पोक्स पर्सन है मिस्टर अरिंदम बाग उन्होंने कहा इट्स क्लियर विद द रिसेप्शन दैट ही गॉट द विजुअल्स यू सॉ एंड द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दैट ही इनोग्रेटेड एंड चेंजेस दैट हैव ऑन द ग्राउंड इट इज अ वेरी क्लियर आंसर टू एनी क्वेश्चन दैट मे बी रेज अबाउट द पीएम विजिट यानी कि डेफिनेटली सर पीएम का दौरा तो हुआ ही हुआ था इसके बाद जो है पाकिस्तान को एम e. ने कहा कि पाकिस्तान के पास कोई लोकस स्टैंडी नहीं है लोकस स्टैंडी क्या होती है एक लॉ लीगल टर्म है लॉ के जो विद्यार्थी हैं वो लोग इसको जानते होंगे हुँ, समझते होंगे लोकस स्टैंडी का मतलब यह है द राइट और एबिलिटी टू ब्रिंग अ लीगल एक्शन टू अ कोर्ट ऑफ लॉ और टू अपियर इन अ कोर्ट यानी कि इंडिया का यह कहना है कि पाकिस्तान जो आज कह रहा है उनके पास जम्मू कश्मीर को लेकर कोई लोकस टैंडी नहीं यानी कि कहीं पर भी जाकर अगर वो ऐसा बोलेंगे तो उनकी बात को कोई मानने वाला नहीं है बिकॉज उनके पास किसी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं है दे डोंट हैव द राइट और दी एबिलिटी टू ब्रिंग अ लीगल एक्शन टू अ कोर्ट ऑफ लॉ पाकिस्तान कमेंटिंग ऑन दिस मैटर इज रॉन्ग इट नो लॉन्गर हैज द लोकस स्टैंडी ऑन जम्मू एंड कश्मीर सो so ये है पूरी की पूरी कहानी जो कि सामने आई है हैज ब्रोकन इट साइलेंस और इन्होंने जवाब दिया है पाकिस्तान को बारे में कॉमेंट सेक्शन में फिलहाल के लिए में इतना ही जाने से पहले बताना चाहूंगा अन अकेडमी का जो ऑफर है दोस्तों थर्टीथ अप्रैल तक एक्सटेंड किया गया है जिसमें कि अगर आप लोग अन यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको 20 परसेंट डिस्काउंट मिलेगा ये वाले आपको दाम यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं इसके साथ ही आपको यूपीएससी की प्रेडेंट्स बुकलेट्स भी ऑफर करी जाएंगी अगर आप लोग इस कोर्स को परचेस करते हैं अगर आप कोई भी एक साल या उससे अधिक का कोर्स परचेस करते हैं तभी आपको ये वाली बुकलेट अवेलेबल करवाई जाएंगे साथ ही में आपको ये वाले बैचेस उपलब्ध करवाए जाएंगे और आपको आइकॉनिक में आपको स्टडी प्लानर मेन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और पर्सनल कोर्स भी अवेलेबल करवाया जाएगा इसके अलावा अन अकेडमी के कॉम्बैट आप लोग हिस्सा ले सकते हैं ऑन दिस कमिंग संडे यूज इन दिन यूपीएससी थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग स्टेट यून एंड स्टे सेफ